Assalamu alaikum guys, this is Engineer Ahmed Makki. If this is the first time you are visiting my channel, please hit the subscribe button as well as ring the bell icon. तो आज हमारा basically lecture जो है वो printer का lecture है कि आज हम printers के बारे में पढ़ेंगे और plotters के बारे में पढ़ेंगे कि what are printers और plotters क्या क्या चीज़ें हैं। printers और plotters की आज types भी देखेंगे हम और plotters की भी types देखेंगे और आखिर में हमारे पास एक छोटी सी output device रह गई थी स्पीकर्स, तो वो हम देखेंगे। बेसिकली हम ये छोटे मोटे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंटर से। प्रिंटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम कुछ भी चीजें हम प्रिंट कर सकते हैं। सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म के अंदर हम किसी भी चीज को लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में कोई पेजेस में कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको हम प्रिंट करके लाना चाह रहे हैं किसी हार्ड कॉपी के अंदर, तो वो यूज प्रिंटर्स। प्रिंटर की हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती है। एक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और सेकंड हमारे पास जो होती है वो होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये जो बेसिकली हमारे पास दो है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो हमारे पास ये होती है कि अगर पेज और जो प्रिंटर की डिवाइस होती है उसको प्रिंट करने के लिए पेज से कांटेक्ट करना पड़े, उस डिवाइस को या उस प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। यानी कि अगर हमारे पास ये पेज है, अगर मैंने किसी कोई चीज को प्रिंट करना है तो डिवाइस का इससे कांटेक्ट होना मस्ट है, और जिस डिवाइस में कांटेक्ट होता है उसको कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। ओके हो गया। बेसिकली इंपैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे पास वो भी दो से तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स होती हैं। अब वो तीन किस्म की कौन कौन सी होती हैं टाइप्स को हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नजर नहीं आ रहा। तो हमारे पास तीन किस्म के प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी की प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब सबसे पहले अगर बात करूं मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो प्रिंटर होता है वो डॉट स्प्रे करता है, हमारे जो शीट होती है उसमें क्या करता है, डॉट स्प्रे करता है। अब जब डॉट्स को स्प्रे करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो डॉट स्प्रे जो होता है वो डॉट्स की फॉर्म में मिलके हमारे पास एक वर्ड बन जाता है। टोटली अगर आपकी बुक में जितना बताया गया उसमें बताया 9, 18 और 24 डॉट्स एक टाइम में वो क्या करता है, स्प्रे करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, वो हमारे पास बेसिकली कुछ इस शेप का होता है। ये देखिए, ये अगर हम इमेज को खोलें तो ये जो हमारे पास इमेजेस नजर आ रही हैं, तो ये इमेज बेसिकली हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ये देखिए आप, इसके ऊपर से 9 डॉट मैट्रिक्स है हमारे पास। ये 9 पिन डॉट मैट्रिक्स जो है वो एट अ टाइम 9 पिन के जरिए हमारे पास प्रिंट करता है। बेसिकली ये हमारे पास 9 ऐसी डिवाइसेस है, ठीक है, ये आप भी देख लो, ठीक है, ये हमारे पास 9 ऐसी डिवाइसेस होती हैं। अब अगर बात की जाए 9 डॉट मैट्रिक्स, ये एट अ टाइम ये अपनी पिंस के जरिए 9 पिन हमारे 24 पिंस के जरिए प्रिंट करता है, वो हमारे पास क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जरिए वो प्रिंट हो जाता है। अब डेजी व्हील प्रिंटर की अगर बात की जाए तो मैं उसकी भी आपको शेयर कर देता हूँ। अब डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है इसके अंदर बेसिकली एक व्हील लगा होता है, जैसे वो व्हील पेज जैसे रोटेट होता रहता है, उसके बाद क्या होता है आपके पास वो पेज भी आपके पास जो व्हील का होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग करके ओपन हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ये प्रिंट जो होता है ये रोल करके हमारे पास प्रिंट होता है। ये देखिए हमारे पास ये बेसिकली एक शेप है, ये हमारे पास अगर देखी जाए शेप, ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक रोल को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ये देखो, यहाँ से हमारे पास पेज होता जा रहा है, आगे की तरफ मूव करता जा रहा है और रोटेट करता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास शेप है ना, ये हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर की है। ये पेज क्या होता है, यहाँ से प्रिंट होता जाता है और हमारे पास अक्रॉस रोल प्रिंट होता 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 बाहर आता जाता है, इसको रोलिंग प्रिंटर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास था डेजी व्हील प्रिंटर। देन अगर हम बात करें लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर बेसिकली जो हम थर्ड की बात करें, लाइन प्रिंटर के नाम से जाहिर है कि हमारे पास लाइंस को प्रिंट करता है। पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा, देन सेकंड लाइन को प्रिंट करेगा, थर्ड। अगर इसकी टाइमिंग देखी जाए तो 3000 लाइंस पर मिनट में यूज करती है, यानी कि एक मिनट के अंदर 3000 लाइंस को प्रिंट करता है ये हमारे पास जो लाइन प्रिंटर होता है। और अगर लाइन प्रिंटर की भी मैं आपको शेप दिखाऊँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। ये जो आपको दिख रही है ये मशीन आपको दिखेगी शायद, ये हमारे पास जो शेप होती है ये वाली हमारे पास किसकी होती है, ये लाइन की होती है। ये आप भी देख लो जरा, ये हमारे पास लाइन वाइज हमारे पास प्रिंट करते हैं। और ये लाइन प्रिंटर जो होते हैं ये बेसिकली
3000 लाइंस पर मिनट के हिसाब से प्रिंट करते हैं। और ये जो तीन थे मैंने आपको बताई कि इंपैक्ट प्रिंटर्स थे, तीनों की मैंने आपको वर्किंग बताई है और तीनों की शेप्स बताई है कि कैसे वर्क करते हैं। जो हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर्स है, इंपैक्ट प्रिंटर्स का मैंने आपको बताया है कि वो प्रिंटर जिनका पेज के साथ कॉन्टेक्ट होना लाजमी है, उसके बगैर पेज प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि इसमें देखो इंक स्प्रे कर रहे हैं, ये डेजी व्हील प्रिंटर के जरिए और लाइन प्रिंटर मतलब लाइन प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। अगर हम बात करें ये इंपैक्ट प्रिंटर्स की, हमने बात की तो हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर्स जो थे उसके अंदर तीन टाइप्स के। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की भी आगे हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती है। वो टाइप्स क्या हैं, चलिए हम देखते हैं कि वो हमारे पास टाइप्स क्या हैं। ये हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लेजर प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर क्या चीज होती है, हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास लेजर के जरिए जो चीजें प्रिंट होती हैं, जो मॉडर्न एरा है वो हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का है। लेजर की लाइट क्या होती है, हमारे पास पड़ती है और उसकी वर्किंग की वजह से हमारे पास क्या होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये आपकी बुक में जो शेप दिखाई गई है, ये आपकी बुक में दिखाई गई है शेप, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपके पास लेजर स्कैनिंग यूनिट होता है। सबसे पहले वो स्कैन करते हैं, यहाँ पे देखो आप भी देख लो, ये जो हमारे पास स्कैन होता है, सबसे पहले स्कैन करने के बाद क्या होता है, जिन जिन जगह पे हमारे पास लाइन पड़ रही होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ए है, ए जो है आपके लेजर के जरिए आपकी प्लेट के ऊपर यानी कि यहाँ पे क्या होगा नजर आ रहा होगा लेजर के जरिए। देन टोनर जो होगा आपके पास, टोनर कहते हैं इंक जो होगी आपके पास, उस जगह स्प्रे हो जाएगी। और देन क्या होगा, फोटो रिसेप्टर पे जो फोटो रिसेप्टर ड्रम होगा ये क्या करेगा, उसको आगे की तरफ रोल कर देगा यानी कि हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और आखिर में चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या कर देगी, उसको हमारे पास प्रिंट होगी और वो हीटेड होके हमारे पास वापस आ जाएगा। अक्सर आप प्रिंटेड फोटोशॉप में जाते हो, फोटो कॉपी शॉप में जाते हो, देन जो पेपर आपके पास आता है वो अक्सर हीटअप हुआ होता है। वो इसी वजह से होता है कि जब आपके पास प्रिंटर से वो घूम के बाहर आती है ना चीज़, तो वो क्या होती है आखिर में इंक उसकी हीटअप की जाती है। और अक्सर वो बात अक्सर प्रिंटर्स ऐसे होते हैं कि हम अगर प्रिंट निकालें उसके बाद हाथ लें तो वो रिमूव भी हो जाते हैं। तो वो जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, वो प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, उस प्रिंटर्स को हम ड्रम प्रिंटर भी कहते हैं। ये लेजर प्रिंटर की समझ आ गई है। देखो ना, अगर मेरे पास लेजर है, ये हमारे पास एम्बल नाम आ रहा था तो उसके ऊपर लेजर पड़ा, यहाँ से आगे ड्रम पे एम्बल लिखा आ गया, उसके ऊपर टोनर ड्रॉप किया गया, उसके बाद वो क्या हुआ आगे एक जो हीटर की गई, देन आपके पास प्रिंट आ गया वो चार्जिंग के जरिए। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के जरिए हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ जाएगी। ओके हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट अगर बात करें हम इंकजेट प्रिंटर की, इंकजेट प्रिंटर भी बेसिकली इस जैसा ही होता है, लेजर लेजर का और इसका हमारे पास बेसिकली सेम ही होता है। इंकजेट प्रिंटर सबसे पहले पता क्या किया जाता है, सबसे पहले आपके पास नोजल से थ्रू किया जाता है, मतलब नोजल से इंक इंजेक्ट की जाती है। जब हमारे पास इंजेक्ट हो जाती है इंक, तो वो क्या होता है उसके आगे क्रॉस, यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नोजल लगी हुई है, यहाँ से हमारे पास इंक को इंजेक्ट किया, आगे हमारे पास यहाँ कंप्यूटर का डाटा लगा होता है, जो भी डाटा हमारे चाहिए होता है वो आगे जा रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ हमारे पास रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं बिल्कुल वैसे ही, अब आगे क्या होता है हमारे पास जो डाटा होता है ना, उस हिसाब से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता रहता है। हमारे पास जो इंक होता है उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है, जो जिन जिन जगहों पे हमें प्रिंट चाहिए होता है उन जगहों पे प्रिंट होता रहता है, मतलब डिफ्लेक्ट होके वहाँ जाके इंक स्प्रे होती रहती है। लेकिन जिन जगहों पे नहीं चाहिए होता है, यहाँ हमारे पास एक डस्टबिन होती है, ग्रिड, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं शायद, ऐसा तो कुछ कहते हैं, वो इंक जो होती है वो उसमें जाती रहती है। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोसेस होता है इंजेक्ट प्रिंटर, यहाँ से इंजेक्ट होती है हमारे पास, ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से जो चीज़ें हमने स्कैन करनी होती है वो चीज़ें जाती हैं, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स होती हैं, देन हमें जहाँ जहाँ प्रिंट करवाना होता है वहाँ हमारे पास प्रिंट हो जाती है चीज़ें। देन अगर हम बात करें थर्मल प्रिंटर की, बेसिकली सेम प्रोसेस है, आखिर के अंदर हमारे पास क्या होता है, आखिर में हमारे पास यही होगा कि जो भी चीज़ होगी एंड पे सेम प्रोसीजर इन तीनों का है, इंटेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, इंक आएगी इसके ऊपर थ्रो होगी, चार्ज होगा, चार्ज के बाद आखिर में क्या होगा वो हीटअप से गुजारा जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स थे, इनका यानी कि डायरेक्ट हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था। तो ये बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक था वो हमारे पास प्रिंटर्स का था। तो इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह कल देखेंगे। In the end, if you want me to ask something about this tutorial, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel as well as ring the bell icon. Allah Hafiz.